हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों आज हम लोग ये वाला सवाल लगाएंगे, बहुत सरल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली इक्वेशन आपके सामने दी जाती है और यहाँ पर ये निकालना होता है, ठीक है। इसे देखकर आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर लगा है, यहाँ पे स्क्वायर लगा है, कहीं ना कहीं सूत्र का यूज हो रहा है, यानी कि स्क्वायर लगेगा, ठीक है। तो इन सवालों करने का बस यही तरीका है। तो यहाँ पर क्या है, ए प्लस एक बटा ए, ठीक है, बराबर पाँच बटा दो। यहाँ पर इक्वेशन सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए प्लस एक बटा ए बराबर पाँच बटे दो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वर्ग लगाएंगे। अगर एक तरफ वर्ग लगाएंगे, ठीक है, तो दूसरी तरफ भी वर्ग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तब यहाँ पे इक्वेशन बराबर होगी, ये बराबर है इससे, ठीक है, एक तरीके से। तो हम लोगों को ये वाली इक्वेशन निकालनी है, तो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला जो सूत्र था वही बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सूत्र का यूज करेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। यहाँ पे सूत्र क्या कहता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो a माना गया है, तो इसका ए स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहले से ही ए स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस लगाया, ठीक है। ये b है आपका, तो b का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो एक बटा ए स्क्वायर। अगर एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने एक बटा ए स्क्वायर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे प्लस लगाएंगे, तो यहाँ पे प्लस लगाने के बाद ये देखिए टू ए बी, तो यहाँ पर टू लिखेंगे, ठीक है। ए और बी गुणे लगाएंगे, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं वो गुणे में ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गुणे करेंगे, फिर से गुणे लगाएंगे और एक बटा ए करेंगे, ठीक है। ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर कितना आ गया, 25/4 आ गया, ठीक है। अब इसे हम लोग गुणा करेंगे, ठीक है, आराम से गुणा भाग कर लेंगे। यहाँ पर ए से ए गया, ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस एक बटा ए स्क्वायर, ठीक है, बराबर लगाएंगे। ये प्लस वाला जो दो है ना, ये हम लोग इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो 25/4 माइनस के दो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन आपके सामने दिख रही थी, ए स्क्वायर प्लस एक बटा ए स्क्वायर, तो ये वाली आ रही है, ठीक है। तो इसकी का मान निकालना था, तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस एक बटा ए स्क्वायर बराबर, इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया, तो यहाँ पे 25 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। फिर से हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस एक बटा ए स्क्वायर बराबर, 25 में से 8 गया, 17/4, ठीक है। तो इसका जो मान है कितना आ गया, 17/4, ठीक है। तो सवाल में भी हम लोगों से बोला गया था ए स्क्वायर प्लस एक बटा ए स्क्वायर का मान कितना आया, 17/4, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।